अच्छा बच्चों, ब्रांड इक्विटी डिस्कस करने के बाद डिटेल से अब जो नेक्स्ट हमने चैप्टर अपना स्टार्ट करना है वो है कंपेटिटिव डायनामिक्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपटीशन के बारे में, कि कंपटीशन से क्या मुराद है, मार्केट कंपटीशन से क्या मुराद है, और कंपटीशन में कौन कौन लोग हमारे आते हैं, मुकाबले में लोग आते हैं किस तरह के, और उनसे से किस तरह हमें डील करना है। ये इसमें कुछ चैप्टर के क्वेश्चन है, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें, कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने एक ही मॉडल आप लोगों ने देखना है, इसको हम लोग बोलते हैं माइकल पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल। हम लोग से करते हैं, माइकल पोर्टर एक वो बंदा था जिसने ये मॉडल प्रेजेंट किया था। उसने कहा था कि जी, आपके बिजनेस के ऊपर पांच तरह की फोर्सेस जो हैं आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, या उन फोर्सेस को मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। वो पांच फोर्सेस कौन कौन सी हैं जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं? एक उसने सबसे पहला जो आप सेंटर में देखें वो है इंडस्ट्री कंपेटिटर्स। आपकी जो कंपटीशन है, आपके कंपटीशन आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, कैसे इम्पैक्ट करता है? कि बिजनेस कंपेटिटर की कोई अच्छी मूव जो है वो आपकी डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम करवा सकती है, आपको मार्केट शेयर कम कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो फोर्स है वो आपके पोटेंशियल एंट्रेंट्स हैं, यानी कि जो न्यू एंट्री हो सकती है, ऐसा बंदा जो कि अभी बिजनेस के अंदर नहीं है, आपके मद्दे मुकाबले नहीं है, लेकिन आपके मद्दे मुकाबले आ सकता है कल को। ठीक है, ये जो इस तरह की जो न्यू एंट्री है जो कि मार्केट के अंदर नया कंपेटिटर आ सकता है, वो भी आपके लिए एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है कि आपके मार्केट शेयर को डिसर्व कर सके। उसके बाद आप जो नीचे वाले साइड पर आ जाए, सब्स्टिट्यूट्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट के उत्पादल हैं, यानी ऐसे पैसे, ऐसा बजट कंज्यूमर का जो कि आपके ऊपर लगना था, वो आपकी आपकी बजाय किसी और प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा है, किसी और चीज़ पे स्पेंड कर रहा है कस्टमर, वो आपकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि वो पैसे आप पे लगने थे, वो आपकी बजाय किसी और मुतबादल पे लग रहे हैं। वो जो मुतबादल है वो भी आपके लिए एक थ्रेट होगा। ठीक है, थ्रेट क्यों होगा? क्योंकि वो आपको मार्केट शेयर को डिस्टर्ब कर रहा है। लेफ्ट साइड पे आ जाए तो सप्लायर, जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी से बोलते हैं, कि आपका सप्लायर कितना स्ट्रांग है। आपका सप्लायर जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उतनी जो है सप्लायर अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। जितना वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, उतना आपके लिए जो है वो अपनी बात मनवाने के चांसेस कम होंगे। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इसकी एग्जाम्पल ये है कि ये जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, यूनिलीवर है, नेस्ले है, P&G है, वॉल्स है, टेलीनॉर है, जायज है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब ये इनकी मार्केट में रिप्यूट काफ़ी अच्छी है, इनका मार्केट में स्ट्रांग होल्ड है। अब इसकी वजह से जो रिटेलर तबका है, जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को आगे सेल करना होता है, रिटेलर तबका पिसता है। वो कैसे पिसता है? कि अगर 100 रुपये का टेलनर का कार्ड अगर जो है वो सेल करते हैं, तो 100 रुपये के कार्ड के पीछे या 100 रुपये के इजी रोड के पीछे उनको 2 रुपये या 2.5 रुपये बचते हैं सारे। 100 रुपये के पीछे 2 रुपये या 2.5 रुपये बचते हैं, बाकी जितना भी प्रॉफिट मार्जिन है वो सारा का सारा जो है ना वो कंपनी कंपनी ले जाती है। अब लेकिन इतनी मतलब 100 रुपये सारे मानी रखता है, अब 100 रुपये के पीछे आप 2.5 रुपये को मारे हो, आप ये कहो कि यार मैं प्रोडक्ट छोड़ ही देता हूँ, इतनी खेचल करता हूँ इस प्रोडक्ट के लिए, तो आ जा के बचते मुझे सिर्फ 2 रुपये ही हैं। लेकिन रिटेलर ऐसा नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि उसकी प्रोडक्ट अगर नहीं रखेगा, मिसाल के तौर पर टेलनार का वो कार्ड या इजी लोड नहीं रखता, तो वो कस्टमर उसके पास नहीं आता, जो कि इजी लोड करवाने के साथ साथ उसमें हो सकता है कुछ दाल खरीद ले, हो सकता है साथ में कुछ चीनी खरीद ले, के रहने वाले से बाकी चीज़ें, यानी कि लोड करवाने आया उसके साथ जो और इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं वो साथ खरीद जाता है। लेकिन
वो सप्लायर की जो स्ट्रांग मार्केट पोजीशन है उसकी वजह से उसकी बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसको उस रिटेलर को वो अपनी जो प्रोडक्ट्स है तगड़े सप्लायर की वो रखनी पड़ती है। इसी तरह जो पांचवी फोर्स है जो आपके बिजनेस की प्रैक्टिसेस के ऊपर आपकी स्ट्रेटजीज के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है वो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है, कि आपका जो खरीदार है खरीदार की बार्गेनिंग पावर कितनी है। आपको बायर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी जो है आपके लिए अपनी बात में आने के चांसेस कम होंगे, जितना आपका बायर की जो बार्गेनिंग पावर है वो कम होगी उतनी आपके लिए आसानी है कि आप अपनी अपनी मर्जी की कीमत चार्ज कर सकें, अपनी मर्जी की क्वांटिटी आप जो है ना वो सेल कर सकें। अब इसकी एग्जांपल आप देखें आजकल जैसे वो पेट्रोल की एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा की हुई है पेट्रोल पंप्स मालकान ने, अब उसमें देखिए लोग लाइनों में लग के ठीक है 2 2 घंटे 3 3 घंटे जलील होके, जो पेट्रोल पंप एक दो खुले भी हुए थोड़े से, अब वहां से लाइनों में लग के लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं और वो भी इतनी लाइन में लग के 100 रुपये का पेट्रोल मिलता है। अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी सॉरी कि जो पेट्रोल आप लोग सेल कर रहे हैं इसके इसमें भी इस 100 रुपये में भी आपने जो है ना वो पीछे कोई लगाए हुए चेक्स लगाए हुए ऐसे कि 100 रुपये का पेट्रोल नहीं मिलता, कम पेट्रोल मिलता वगैरह वगैरह। अब इस केस में जो पेट्रोल पंप मालिकान है उन्होंने अपनी जो है वो दिहाड़ियां पक्की की हुई हैं, अपने जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन पक्के किए हुए हैं, और जो कस्टमर है कस्टमर ख्वार हो रहा है इस केस में, ठीक है। ये जो आजकल के सिनेरियो में हम जो सूरतयाल देखते हैं। अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों को वो पता होना चाहिए कि कंपटीशन के हवाले से, उसमें आपने ये देखना है जब आप अपने मार्केट को स्टडी करते हैं, आप मार्केट को स्टडी करते हैं तो उसमें जो कंपटीशन में देखना है कि नंबर ऑफ सेलर और डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं या जो आपके मुतलका जो प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं मार्केट में कितने लोग वो वाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो उनकी प्रोडक्ट्स कितनी डिफरेंशिएटेड हैं आपसे, कितनी डिस्टिंक्टिव हैं आपसे। मिसाल के तौर पे आप मार्केट के अंदर आप आटा सेल कर रहे हैं, आप आटा सेल कर रहे हैं तो कितने लोग हैं जो कि उसी क्वालिटी का आटा सेल कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो उस जरा हल्के क्वालिटी का आटा सेल कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो आपसे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का आटा सेल कर रहे हैं, ठीक है। यू मस्ट नो, यू मस्ट हैव दैट कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। आपको इन सब कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है एंट्री मोबिलिटी एंड एग्जिट बैरियर। एंट्री से मुराद कि जिस इंडस्ट्री में आप बिलोंग करते हैं, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, अगर कोई नया बंदा इस मार्केट में इस इंडस्ट्री में आना चाहे, जैसे मैं आटा की बात कर रहा था कि कोई एक और नया बंदा यहाँ पे आटा सेल करना चाहता है, तो उस नए आने वाले बंदे को ठीक है कौन कौन सी रुकावटें हैं, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ सकता है, मतलब कोई लीगैलिटीज हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज उसको पूरी करनी है, आया के उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए इसके लिए, आया के पर्टिकुलर उसको एक शॉप का साइज चाहिए, आया के पर्टिकुलर इसको को फ्लोर मिल बनाना पड़ेगी वगैरह वगैरह। उसके बाद मोबिलिटी 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 में आ जाता है कि वो एक जगह मार्केट के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहता है अगर, या वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा बहुत चेंज शिफ्ट लेके आना चाहता है, तो उस चीज़ में कौन कौन सी रुकावटें हैं जो मेरे लिए या मेरे कंपेटिटर के लिए हो सकती हैं, ठीक है, इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद है एग्जिट बैरियर। एग्जिट बैरियर में आ जाता है कि इफ आई वॉन्ट टू लीव द मार्केट, अगर मैं ये बिजनेस छोड़ना चाहूँ या ये मार्केट छोड़ना चाहूँ या मेरा कंपटीशन ये मार्केट छोड़ना चाहे, तो उसमें कौन कौन से जो है वो बैरियर्स हैं सामने या बैरियर्स हो सकते हैं, ये चीज़ें भी मद्देनजर रखनी है, आपको पता होना चाहिए इन एंट्री का मोबिलिटी का और एग्जिट के हवाले से जितने भी रुकावटें या बैरियर्स हैं या जो प्रोसेस है उन चीज़ों को पता होना चाहिए। कॉस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर के जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो उस मार्केट के अंदर कॉस्ट को कितनी किस्म की कॉस्ट है जो कि आपके ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लोगों ने पढ़ी होगी कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसके सोल्ड में
मेजर कॉस्ट कौन कौन सी है और माइनर कॉस्ट कौन सी है। मेजर कॉस्ट हो सकता है आपकी प्रमोशन की कॉस्ट मेजर हो सकता है आपकी जो लॉजिस्टिक की मूवमेंट की कॉस्ट मेजर हो। समटाइम होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट इटसेल्फ बनाने की कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रमोशन है और उसके साथ जो एसोसिएटेड लॉजिस्टिक है उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। जैसे अब आपकी जो बेवरेजेस बनती हैं, पेप्सी कोला है, कोका कोला है, इनकी इटसेल्फ जो मटेरियल इनके अंदर यूज़ होता है उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको प्रमोशन बहुत करनी पड़ती है। लेकिन उनको जो है फैक्ट्री से इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर बनाने में इनकी कॉस्ट काफ़ी होती है। ठीक है, आपको कॉस्ट का पता होना चाहिए, सरकारी फीसें कौन कौन सी पे करनी है हमने रेगुलरली, वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए अपनी मार्केट का, ताकि अच्छा ये कॉस्ट स्ट्रक्चर क्यों पता होना चाहिए, ताकि आपको अपना भी आइडिया हो, अपने कंपेटिटर्स की पोजीशन का भी आइडिया हो जाता है इससे साथ साथ। डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन से मुराद ये है, इंटीग्रेट का मतलब होता है मिल जाना आपस में, कि आपके अपने जो सप्लायर है अपने सप्लायर के साथ किस हद तक मिल के काम कर सकते हैं। जब B2B मार्केट का हम प्रोसेस बाइंग प्रोसेस पढ़ रहे थे, हमने उनके जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की वहाँ पर भी हमने इंटीग्रेशन का जिक्र किया था कि आपस में जितनी ज़्यादा इंटीग्रेशन होगी सब आपकी और आपके सप्लायर की, तो उतने जो है आप दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप लोग नए रेवेन्यू अर्न कर सकें, और रिस्क को मिनिमम करने के चांसेस आप के पास हो सकते हैं कि कोई अनफॉर्चुनेट अगर सर्कमस्टांसेस हैं तो आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन का भी पता होना चाहिए कि जिस कंपेरेटिव मार्केट में आप डील कर रहे हैं आपकी वर्टिकल इंटीग्रेशन कितनी है और आपके जो सप्लायर है आपके सप्लायर की वर्टिकल इंटीग्रेशन कितनी है। डिग्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिग्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन से मुराद के आपके जिस मार्केट में वो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पे कितने हैं, लोकल प्लेयर कितने हैं, लोकल कंपेटिटर्स कितने हैं, लोकल जो आपके जो मूव्स हैं उनकी वो किस हद तक इम्पैक्ट कर रही हैं, और उसके अलावा जो ग्लोबल बिजनेसमैन हैं, जो ग्लोबल कंपेटिटर्स हैं आपके, वो किस हद तक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके बिजनेस स्ट्रेटजीज को। अब इंटरनेट की वजह से आपकी जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हुई है, और ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से अब एक बंदा जो है वो नॉर्वे के अंदर बैठा हुआ पाकिस्तान के अंदर बहुत आसानी से बिजनेस कर सकता है। आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपको कोई नहीं पता कि जो है जो जहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस किया है, जो परचेज की है, वो चीज़ अमेरिका से आ रही है या वो चीज़ इंडिया से आ रही है या पाकिस्तान से आ रही है। ठीक है, आपको एक वेबसाइट का इंटरफेस नज़र आ रहा है तो वहाँ से आप सिंपली जो है ना वो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये सेम सूरत हाल एक बिजनेसमैन के लिए थोड़ी सी जो है वो अलार्मिंग भी हो सकती है, ख़तरनाक भी हो सकती है, कि अब वो मार्केट में बैठा हुआ है और कोई एक बंदा जो तीसरे मुल्क से बैठा हुआ है आराम से उसी किराने वाले के साथ कंपटीशन कर रहा है। अभी इसके बाद कुछ मार्केट के जो है वो मार्केट की मैकेनिज्म है, मार्केट के स्ट्रक्चर हैं तीन चार किस्म के, इस वैसे इससे ज़्यादा भी होते हैं लेकिन जो मेजर है वो यही है कि मार्केट में कंपटीशन की क्या लेवल हो सकते हैं। सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्योर मोनोपली। जो प्योर मोनोपली है उसमें ये होता है कि देर इज ओनली अ सिंगल सेलर, देर इज ओनली अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट इन मार्केट, तो इस तरह की सूरत हाल को हम कहते हैं कि वो उस बंदे की प्योर मोनोपली है। अब देखें आपके अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, बिजली की सप्लाई की बात करें, इलेक्ट्रिक पावर की, तो ओनली वापडा जो है, आप देखें कि वापडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर वो ऑपरेट कर रहा है और बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। वापडा जो है ना वो सिर्फ बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पूरे पाकिस्तान के सब घरों के अंदर, तो हम इस केस में कह सकते हैं कि वापडा की प्योर मोनोपली है अपने जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। आप कोई और सिचुएशन अज्यूम कर लें कि जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरे नारवाल के डिस्ट्रिक्ट नारवाल के अंदर जितने भी ये जो सुई गैस की सिलेंडर है इनका जो लाइसेंस है, लाइसेंस अगर सिर्फ मेरे पास है मिसाल के तौर पे, और कोई बंदा नहीं है वो बिजनेस उस बिजनेस के अंदर, चाहे वो कोई लीगल रीजंस हो सकती हैं, कोई टेक्निकल रीजंस हो सकती हैं, कोई कैपिटल की रीजन हो सकती हैं,
लेकिन अगर सिर्फ मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं आप भी कह सकते हैं कि जी मेरी मोनोपली है, मेरी इस प्रोडक्ट की सेल के अंदर मेरी मोनोपली है। ओलिगोपली ऐसी एक ऐसा एक मैकेनिज्म है, ऐसा एक नेचर ऑफ मार्केट है जिसमें सिर्फ अकेला बंदा तो नहीं होता, लेकिन सिर्फ चार तीन चार पाँच छः यानी कि वेरी फ्यू पीपल हैं जो कि उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। लोगों के लिए ओपन कंपटीशन नहीं है उसमें। अब इसमें जैसे मैं वही बात कर रहा था, जैसे अगर स्विगी गैस के सिलेंडर की पहले था कि सिर्फ मेरे पास लाइसेंस है, लेकिन अब कर दिया कि जी नारवल का लाइसेंस मेरे पास है, शकरगढ़ का लाइसेंस कोई दूसरे बंदे के पास है, जोहरवाल का लाइसेंस किसी तीसरे बंदे के पास है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट नारवल के अंदर आपको तीन या चार लोग हैं जो कि अपने जो स्विगी गैस के जो सिलेंडर हैं इनके जो फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह का जो मार्केट स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोपोली। उसके बाद आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो मार्केट की सूरत हाल होती है जिसमें नंबर ऑफ सेलर्स काफ़ी होते हैं, काफ़ी सारे नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट एक ही सेल कर रहे हैं। नंबर ऑफ सेलर्स काफ़ी होते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट एक ही सेल कर रहे हो, तो इस तरह की जो आपकी मार्केट की कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब इसकी एग्जांपल ये है कि मैं जो है वो पानी की बोतल मिनरल वाटर जो है अगर मैं वो सेल कर रहा हूँ, तो अब मेरे मुकाबले में मिस्टर ए भी है, मिस्टर बी भी है, सी भी है, डी भी है, काफ़ी सारे लोग हैं। सारे के सारे लोग, वो सारे लोग जो कि मिनरल वाटर सेल कर रहे हैं मेरे कंपटीशन में आएंगे। इस तरह की जो मार्केट के जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो लास्ट है उसको हम लोग प्योर कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में कहते हैं कि जी अब प्यास बुझाने के लिए कस्टमर के लिए मैं पानी सेल कर रहा था, लेकिन एक बंदा जो है जो दूसरा जो जूस सेल कर रहा है, अच्छा अब जूस में भी जो तीसरा बंदा है वो फ्रेश जूस सेल कर रहा है, ठीक है, अब चौथा बंदा जो है वो दूध सेल कर रहा है, फ्लेवर्ड मिल्क सेल कर रहा है, ठीक है। अब इस चार पांच जितने भी आपके जो लोग हैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या अब जितने भी जूस बेचने वाले हैं, जितने भी पानी बेचने वाले हैं, जितने भी फ्रेश जूस सेल करने वाले हैं, जितने भी फ्लेवर्ड मिल्क सेल करने वाले हैं, वो सारे के सारे मेरे कंपटीशन में आ जाएंगे। तो इस तरह की जो सूरत हाल होगी उसको हम लोग बोलते हैं प्योर कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन। सबसे ज़्यादा जो कंपेटिटर्स होते हैं वो आपके प्योर कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। उसके बाद जो है आपके जो उससे कम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंपेटिटर्स होते हैं, उससे कम आपके ओलिगोपोली में, और प्योर मोनोपोली में तो एक ही सेलर होता है, तो उसमें तो कंपटीशन का जो है ना वो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा या एक ही ग्रुप की जो मखसूस है उनकी वो इजारादारी, जिससे हमने वर्ड सुना होगा उनकी इजारादारी होती है उसमें। अच्छा अब ये कुछ मार्केट के कंपटीशन के लेवल यहाँ पे जो है ना वो बस समझाने की कोशिश की गई है। आप देखिए सबसे सेंटर में द प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सबसे सेंटर में आप अज्यूम कर लें कि आप हैं, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये अब इसमें थोड़ी रिपीटेशन होगी, जो मैंने अभी चीज़ बताई है वो चीज़ दोबारा आपके सामने आएगी। द प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। अब आपके सबसे पहले आ जाते हैं प्राइमरी कंपेटिटर्स। अब मैं वही एग्जांपल अगर कंटिन्यू करूँ कि मैं जो है पानी जो जो नेस्ले का मैं पानी सेल करता हूँ, मिनरल वाटर में सेल कर रहा हूँ, तो नेस्ले के प्राइमरी कंपेटिटर्स कौन से होंगे? नेस्ले के प्राइमरी कंपेटिटर्स आ जाएंगे उसके पास इकोफिना आ जाएंगे, दसानी आ जाएंगे, आप किनले आ जाएगा, आपके पास गोरमे का पानी आ जाएगा, सूफी का जो मिनरल वाटर है वो आ जाएगा। अब ये सारे के सारे मेरे नेस्ले के प्राइमरी कंपेटिटर्स हैं। प्राइमरी कंपेटिटर्स कैसे हैं? क्योंकि नेस्ले भी तकरीबन उसी कैडर का, उसी लेवल का जो है वो मिनरल वाटर सेल कर रहा है जितना ये बाकी सारे ब्रांड सेल कर रहे हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए। तो ये सारे के सारे नेस्ले के प्राइमरी कंपेटिटर्स आ जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी कंपेटिटर्स। सेकेंडरी कंपेटिटर्स में आप लोग कह लें कि वो लोग सेकेंडरी कंपेटिटर्स में वो लोग आ जाते हैं कि जिनसे डायरेक्टली तो आपको इतना ज़्यादा थ्रेट नहीं है आपको, लेकिन फिर भी वो आपके मार्केट शेयर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। अब वो मार्केट शेयर आपके वो कौन से लोग हो सकते हैं? आपके दूसरे जूस बनाने वाले, आपका जो है वो फ्लेवर्ड मिल्क बनाने वाले, जो पैकिंग में लस्सी बिकती है वो लस्सी बनाने वाले। अब ये वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली मेरे से कम्पीट नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली मेरा एक मार्केट शेयर जो है अच्छा खासा वो इन्होंने जो है ना वो कैप्चर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि मैं भी एक ड्रिंकेबल आइटम सेल कर रहा हूँ,
ठीक है, मैं भी एक पीने वाली चीज़ आइटम सेल जो ना आइटम का बिजनेस करता हूँ। और ये जो बिजनेस है, जैसे कोई लस्सी बनाने वाला है, कोई फ्लेवर्ड मिल्क बनाने वाला है, कोई जो फ्रेश जूस बनाने वाला है, कोई पैक जूस बनाने वाला है, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये भी एक ड्रिंकेबल आइटम सेल कर रहे हैं, तो जो कि मेरे मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकती है। इसके बाद आ जाता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में हर वो बिजनेसमैन वो चाहे पीने वाली कोई आइटम सेल कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे पैसे जो कि मेरे बिजनेस मेरा रेवेन्यू बनने थे वो किसी और के रेवेन्यू बन रहे हैं किसी वजह से, तो उस तरह के कंपटीशन को हम लोग बोलते हैं वो सब्स्टिट्यूट में आते हैं। इसकी मैं एग्जांपल अक्सर देता होता हूँ कि जैसे अगर मेरा मिसाल के तौर पे कोई रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट पे किसी जो दोस्तों का ग्रुप है वो प्लान कर रहा बैठा, यार चलो सब लोग ने कंट्रीब्यूशन करते हैं, कंट्रीब्यूशन करके कहीं आउटिंग पे चलते हैं। अब एक बंदा कहता है कि यार फलां रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ पर जाकर खाना खाते हैं, साथ गपशप करते हैं, ठीक है। अब वो रेस्टोरेंट मेरा था, वो पैसे मेरे पास आए थे, लेकिन कुछ और जो दोस्त हम रिकमेंड करते हैं, नहीं यार वो एक नई मूवी आई है वो सिनेमा में जाते हैं, वो नई मूवी देखते हैं जाके, ठीक है। अब तीसरा कहते हैं, नहीं यार वो हम जो ना गर्मियों का सीजन है तो फलां जो वाटर पार्क है उस वाटर पार्क में जाते हैं, वो वाटर पार्क में जाके थोड़ा शोर मेला लगाते हैं, वाटर स्पोर्ट्स जो है ना इंजॉय करते हैं। अब देखिए पैसे वही उनके पास मिसाल के तौर पे 8,000-10,000 रुपया उन्होंने कंट्रीब्यूशन करके इकट्ठा किया, अब वही 8,000-10,000 रुपया मेरे पास आना था जो कि या सिनेमा के पास ऑनर के पास चला जाएगा या तो वो किसी वाटर पार्क में चला जाएगा वो। अब इस केस में क्या हुआ कि तो वो वाटर पार्क वाला भी मेरा कंपेटिटर है, वो सिनेमा वाला भी मेरा कंपेटिटर है। क्यों? क्योंकि मेरा जो है मेरी पॉकेट का जो शेयर है, वो पैसे जो मेरे पास आने थे, शेयर ऑफ पॉकेट जो मेरे पास आना था कस्टमर का, वो उनके पास जा रहा है। इस केस पे वो मेरे सब्स्टिट्यूट हैं, क्योंकि उन्होंने तो लगाना तो थोड़े दोस्तों ने शुगर ही लगाना था बैठ के, अब वो शुगर उन्होंने होटल की बजाय, खाने की जगह की बजाय वो शुगर वो लगा रहे हैं किसी और थीम पार्क के अंदर जाके या किसी सिनेमा के अंदर जाके, ठीक है। तो जब भी आपने अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करना है, आपने इन सब लेवल्स को देखते हुए आपने ये चेक करना है कि मेरे प्राइमरी कंपेटिटर्स कौन से हैं, सेकेंडरी कंपेटिटर्स कौन से हैं और सब्स्टिट्यूट्स में कौन कौन से लोग आते हैं, ताकि मैं अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट कर सकूँ और बना सकूँ। अच्छा, जब आपने अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज कर रहे होना है तो आपने जिन चीज़ों का मजीद ख्याल करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके कंपेटिटर्स का मार्केट शेयर कितना है। मार्केट शेयर से मुराद कि अगर आप, जैसे हम अभी पानी की बात कर रहे थे, नेस्ले के पानी की बात कर रहे थे, कि मार्केट के अंदर अगर 100 कस्टमर है, 100 कस्टमर है और पानी बेचने वाले कोई 6 लोग हैं जो पानी बेचने वाले हैं, नेस्ले है, इक्वापीना वगैरह वगैरह जो मैंने नाम लिए, आपने देखना है कि नेस्ले का मार्केट शेयर कितना है, यानी कि उन 100 लोगों में से कितने लोग नेस्ले का पानी पीते हैं, उन 100 लोगों में से कितने लोग जो हैं वो किन्ले का पानी पीते हैं, उन 100 लोगों में से कितने लोग जो हैं कोई गोरमे का पानी पीते हैं, उन 100 लोगों में से कितने लोग हैं जो कुछ सूफी का पानी पीते हैं। आपने मार्केट शेयर स्टडी करना है, किस कंपेटिटर का कितना मार्केट शेयर है, इसका मार्केट शेयर को स्टडी करने से आपको उसकी स्ट्रेंथ का और पावर का आइडिया होगा, ठीक है। आपने उनका मार्केट शेयर सबसे लाजमी स्टडी करना है। दूसरा आपने ये भी स्टडी करना है कि उनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या रुका हुआ है, जितना है उतना ही सस्टेन किया हुआ उन्होंने। उसके बाद आ जाते हैं शेयर ऑफ माइंड। शेयर ऑफ माइंड से मुराद कि आप कस्टमर जो है वो आपके कंपेटिटर के बारे में लॉजिकली क्या सोचता है, लॉजिकली आपके कंपेटिटर से किस हद तक सेटिस्फाइड है, यानी कि उसके ख्याल से कि अच्छा वो अब ये जो है ये जो पानी की बोतल है ये हमारे पर्सनल यूज़ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जब हमने किसी शादी ब्याह में हमने इसको अगर हमने सेल करना है, सॉरी शादी ब्याह के फंक्शन में यूज़ करना है, तो उसमें ठीक है, उसमें चल चुल जाता है, हल्का 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 जो कमज़ोर पानी है, जो वीक ब्रांड है वो चल जाता है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है वगैरह वगैरह। अभी सारी की सारी उसके माइंड में लॉजिकली वो चीज़ों को सोच रहा है। अगर तो उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर में इस्तेमाल करना है, तो हो सकता है वो कोई अच्छे ब्रांड का पानी लेके आए, लेकिन अगर उसने किसी शादी के फंक्शन में यूज़ करना, तो शादी के फंक्शन में जो है वो जो लोकल ब्रांड है, जो हल्के ब्रांड है, जिनकी क्वालिटी कंपैरेटिवली कम होती है, वो भी चल जाते हैं, क्योंकि वो और लोग इतना बॉदर भी नहीं करते शादी के फंक्शंस पे कि पानी की बोतल को जो है ना वो आप वो करें डिस्कस करें, लोग बस खाने को देखते हैं कि जी खाने में
मेन कोर्स में क्या चीज़ें हैं, साइड डिश में क्या चीज़ें हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ें उसमें आती हैं। ये आती है शेयर ऑफ माइंड के, लॉजिकली कस्टमर जो है आपके कंपेटिटर से किस हद तक जो अटैच और सेटिस्फाइड है। उसके बाद आ जाता है आपके पास शेयर ऑफ हार्ट। शेयर ऑफ हार्ट में ये चीज़ आती है कि इमोशनली कितना अटैच है आपका, कोई कस्टमर आपके कंपेटिटर्स से या किस कंपेटिटर से इमोशनली कितना अटैच है। अब कुछ लोग, कुछ जो है कस्टमर्स हैं वो कुछ ब्रांड के साथ इमोशन लॉजिकली इतना अटैच नहीं होते, लेकिन इमोशनली ज़्यादा अटैच होते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि अब जो खवातीन है, अब वो जब इनकी शादी होती है, जब शादी होती है और जो किसी अगले घर में जाती हैं शादी होने के बाद, तो वहाँ पे वो वही डिटर्जेंट यूज़ करने हैं जी जो कि मेरी अम्मी यूज़ करती थी। ठीक है, मैंने जो है वही साबुन यूज़ करना है कपड़े धोने के लिए जो मेरी अम्मी यूज़ करती थी, मैंने वही वॉशिंग मशीन यूज़ करनी है जो मेरी अम्मी यूज़ करती थी। अब क्यों? क्योंकि वो सारी उम्र जो है उन्होंने स्पेंड की है अपने अपनी अम्मी के घर में, जो जो कुकिंग ऑयल उनकी अम्मी यूज़ करती थी या मिर्च मसाले यूज़ करती थी, वही कंपनी के यूज़ करने हैं। उन ब्रांड्स के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट जो है, इमोशनल अटैचमेंट कस्टमर की बिल्ड हो गई होती है। ठीक है, अब वो देखते हैं ना, जहाँ डाल्टा वहाँ मामता, वो साथ वो जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने खुद के साथ इमोशन को अटैच करने की जो है ना वो कोशिश की होती है। इस तरह वो एक मासर मॉल्टी फॉर्म का है कि वो अदनान सिद्दीकी की जो है अपनी अपनी पोती भी आनी है, पहले वो जो है अपनी बेटी भी आता था, बेटी के बाद पोती भी आना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब वो क्या कि इमोशंस को अटैच कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ। तो आपने ये भी देखना है कि इमोशनली आपका कस्टमर आपके कंपेटिटर के साथ कितना अटैच है। ये तीनों चीज़ें जब शेयर ऑफ माइंड, शेयर ऑफ मार्केट और शेयर ऑफ हार्ट आप देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, आपको पता हो जाएगा कि आपका कंपेटिटर कितना स्ट्रांग है, किस एरिया में कितना स्ट्रांग है और आपने इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, अपने कंपेटिटर्स को जब आपने एनालाइज किया है लास्ट स्लाइड में, तो आपने ये आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रांग वर्सेस वीक कंपेटिटर, आपके स्ट्रांग कंपेटिटर्स कौन से हैं, आपके वीक कंपेटिटर्स कौन से हैं। स्ट्रांग से मुराद वो कंपेटिटर जो कि आपको टफ टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा टफ टाइम दे सकते हैं। वीक कंपेटिटर्स वो वाले हैं कि जो आपको ज़्यादा टफ टाइम नहीं देंगे, तो उस आपको उनके हवाले से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बट आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेजर फोकस है वो आपके स्ट्रांग कंपेटिटर्स होने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं क्लोज वर्सेस डिस्टेंट कंपेटिटर्स। क्लोज कंपेटिटर वो होते हैं कि जो कि आपका डायरेक्टली हेड टू हेड, फेस टू फेस जो है ना, आपकी उनसे डेली बेसिस पर टकरा होता है, वो आपके क्लोज कंपेटिटर्स होते हैं। डिस्टेंट कंपेटिटर्स वो वाले कंपेटिटर्स हैं जिनका आपसे फ्रीक्वेंटली आपके प्रोडक्ट या आपके ब्रांड के साथ उनका इंटरेक्शन या टकरा नहीं रहता। ये कह लें कि वंस इन अ ब्लू मून आपको कभी कभार, या आपकी मार्केट के अंदर कोई डिमांड अचानक से ज़्यादा हो जाए, तो वो फिर दूसरी मार्केट से उठ के आपकी मार्केट में फॉर अ टाइम बींग आने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके आ जाते हैं डिस्टेंट कंपेटिटर में आ जाते हैं। आप ये देखते हैं कि आमतौर पे भी देहातों के अंदर, गाँव के अंदर जो है ना, वो बकरियाँ भेड़ें सेल करने के लिए जो है ना वो लोग हैं वो करते हैं, बिजनेस करते हैं इस चीज़ का। लेकिन जब बड़ी जो है ईदुल्अज़हा वो करीब आती है, तो लोग बड़ी बड़ी दूर से, लोग दूसरे शहरों से लोग जो हैं वो अपने जानवर और मवेशी लेके आते हैं, वो आके आपकी मार्केट के अंदर जो हैं वो अपने जानवरों को सेल करने की कोशिश करते हैं। अब वैसे लोग जिन्होंने ईद की ईद आना होता है, वो आपके डिस्टेंट कंपेटिटर्स में आएंगे। और क्लोज कंपेटिटर में वो आएंगे जो कि आज डेली बेसिस पर जो देहातों में जानवर की जो सेल परचेज करते हैं, वो आपके क्लोज कंपेटिटर्स में आएंगे। गुड वर्सेस बैड कंपेटिटर्स। गुड कंपेटिटर्स में वो लोग आ जाएंगे जो कि अगर कोई कंपीट करते हैं, तो कंपीट करने में कोई ऐसी कोई जो है वो बुरी प्रैक्टिसेस नहीं करते। वो क्वालिटी के ऊपर काम करके आपसे कंपीट करेंगे, वो प्राइसेस के ऊपर काम करके कंपीट करेंगे, यानी कि वो अपने आप को बेहतर करके आपसे कंपीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बैड कंपेटिटर जो है वो आमतौर पर उस तरह के कंपेटिटर्स आते हैं जो कि खुद को इम्प्रूव करने की बजाय, खुद को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपका ब्रांड, अपने कंपेटिटर का ब्रांड इमेज खराब करके मार्केट को, शेयर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो वो बैड कंपेटिटर में आते हैं। ठीक है, यानी कि अपने आप को तो जो इम्प्रूव करना है या नहीं करना, लेकिन अपने कंपेटिटर जो है, अपने कंपेटिटर को अगर आप करें कि उसके ब्रांड इमेज खराब करने की कोशिश करें, उसके जो है ना वो कस्टमर की जो ओपिनियन है
उसको नेगेटिव करने की कोशिश करें अपने कंपेरेटर के बारे में, तो इस तरह के जो कंपेरेटर्स हैं वो बैड कंपेरेटर्स में आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रॉन्ग कंपेरेटर कौन से हैं, वीक कौन से हैं, क्लोज कौन से हैं, डिस्टेंट कौन से हैं, गुड कौन से हैं और बैड कौन से हैं। यू मस्ट नो दैट। अच्छा, अब इसमें आपके पास अपने मार्केट शेयर को एक्सपेंड, जब मार्केट लीडर जब अपने मार्केट शेयर को एक्सपेंड करता है या कोई भी जब अपने मार्केट शेयर को एक्सपेंड करना चाहता है, तो उसमें जो दो आपके पास मेजर ऑप्शन हैं, पहला तो ये है कि आप जो उन लोगों को टारगेट करें, उन लोगों को टारगेट करें जो कि अभी तक आपकी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे, उन लोगों को टारगेट करें जो कि अभी तक आपकी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे। आप मतलब इसका कि न्यू कस्टमर्स लेके हैं। अच्छा, अब वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक हमारे ब्रांड को टारगेट नहीं किया? एक तो वो लोग हो सकते हैं जो कि हमारे ब्रांड से अभी अवेयर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि जी जो है ये नेस्ले का ब्रांड एग्जिस्ट करता है या फलां ब्रांड एग्जिस्ट करता है, ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोग उनको टारगेट करें, उनके सामने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, ठीक है। एक तो ये नए इस तरह के नए कस्टमर्स को आप टारगेट कर सकते हैं। दूसरा जो है आपके वो लोग जो कि आपके ब्रांड को जानते तो हैं, आपके ब्रांड को जानते तो हैं लेकिन वो आपकी मार्केट के नहीं है। यानी कि मैं अगर सिर्फ नारवल में पहले काम कर रहा था तो मेरे ब्रांड को हो सकता है शकरगढ़ का बंदा जो है वो जानता तो हो, लेकिन वो क्योंकि शकरगढ़ में रह रहा है तो मैं उसको वहाँ पर चीज़ें डायरेक्टली सेल नहीं कर रहा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि उस बंदे को शकरगढ़ में जाके जो है ना चीज़ें अगर सेल करना स्टार्ट कर दूँ, तो मैं शकरगढ़ के कस्टमर्स को भी जो है ना वो टारगेट करना स्टार्ट कर दिया मैंने अल्टीमेटली, तो शकरगढ़ का कस्टमर भी मेरा कस्टमर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जियोग्राफिकली कस्टमर मेरे से किसी वजह से दूर था लेकिन मेरे ब्रांड को जानता था, तो इस तरह के जो कस्टमर्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं ये भी हमारे लिए न्यू कस्टमर्स में आ जाएंगे, ठीक है। मैंने दो कस्टमर बताए, एक पहला कस्टमर जो कि मेरे से अवेयर ही नहीं था किसी वजह से, मैंने उसको अवेयर किया अपनी प्रोडक्ट से, प्रमोट किया अपनी प्रोडक्ट उसके सामने, उसको अपना नया कस्टमर बना लिया। और दूसरा वो बंदा जो अवेयर तो था लेकिन किसी वजह से दूर था मेरे से, तो मैंने उसको या अपने पास बुला लिया किसी वजह से, या मेरे पास आ गया वो, या मैं खुद उसके पास चला गया, मैंने वहाँ पर जाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस तरह भी मैं अपने मार्केट शेयर को एक्सपेंड कर सकता हूँ। इसके अलावा तीसरा जो है वो लोग जो कि हमारे ब्रांड को जानते भी हैं और दूर भी नहीं है लेकिन वो कोई नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं हमारे ब्रांड के बारे में, एक नेगेटिव थॉट रखते हैं हमारे ब्रांड के बारे में, जिसकी वजह से वो हमारे ब्रांड को परचेज नहीं कर रहे पहले। इस तरह के लोगों की नेगेटिव ओपिनियन को पॉजिटिव ओपिनियन में कन्वर्ट करना और उनको कैप्चर करना, वो भी हमारे न्यू कस्टमर आ जाएंगे। अच्छा, अब वो कौन से लोग हो सकते हैं? इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हमारे ब्रांड के बारे में पहले मार्केट में मशहूर है या कंपेटिटर ने मशहूर किया या वैसे वर्ड ऑफ माउथ की वजह से कि जी ये जो है ना महंगा ब्रांड है, ठीक है, ये ओवर चार्ज करते हैं, ज़्यादा कीमत चार्ज करते हैं, तो कुछ कस्टमर हैं वो ये सोच के हमारे से कभी उन्होंने परचेज ही नहीं किया कि लोगों की बात सुन सुना के। अब इस तरह के लोगों को हम अट्रैक्ट करेंगे, उनके जहन में हमारे ब्रांड के बारे में कि ये महंगा ब्रांड है, हम इस चीज़ का जो इमेज है, इस प्रॉब्लम को, इस कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करेंगे। हम या तो उनको बताएंगे कि अगर हम महंगे हैं तो हम क्वालिटी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम उनको बताएंगे कि हम महंगे नहीं हैं ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं, या हम उनको बताएंगे कि अगर हम महंगे हैं तो हमने कुछ सस्ती वाली प्रोडक्ट्स भी लॉन्च की हैं, अब वो सस्ती वाली प्रोडक्ट्स भी आके हमसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एक ये तीसरी तरह की कैटेगरी है उन कस्टमर्स की जो कि हमसे पहले परचेज नहीं थे कर रहे, हम उनको टारगेट करके अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को, अपने मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करने का वो ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में अपनी प्रोडक्ट के इस्तेमाल को इनक्रीज कर सकें। अच्छा, अब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनमें अपने मार्केट, अपने प्रोडक्ट के इस्तेमाल को कैसे इनक्रीज कर सकते हैं? यानी कि वो पहले अगर कोई एक बंदा हमसे एक एक जो यूनिट परचेज कर रहा है प्रोडक्ट का, वो दो परचेज करने लग जाए, जो दो कर रहा है वो तीन करने लग जाए, ये कैसे कर सकते हैं? हम लोग डिफरेंट किस्म के डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं कि आप जो है एक प्रोडक्ट लेंगे, जैसे आप वो देखते हैं अब आपकी जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आप जी एक रेगुलर कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो वो हो सकता है 30 रुपए की मिले आपको, आप हाफ लीटर लें, हाफ लीटर जो है वो हो सकता है आपको 45 की मिल जाए, ठीक है, आप जो है वो लीटर की लें, लीटर की आपको 60 की मिल जाए। यानी कि देखें जितना क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है
उतनी जो उसकी ओवरऑल कॉस्ट है उतनी ओवरऑल कॉस्ट कम होती जा रही है उसकी, उस प्रोडक्ट की। ये किस लिए किया जाता है, ताकि अब वो बंदा कोल्ड ड्रिंक परचेज करने के कहता है जैसे मैंने रेगुलर जो ले रहा हूँ हाफ लीटर ले लेता हूँ, थोड़ी सी और पी लूंगा, ठीक है। अब हाफ लीटर लेने गया, आप कहते हैं हाफ लीटर ले रहा हूँ, लीटर ले लेता हूँ, कोई और भी दोस्त भी पी लेगा। लीटर लेने गया तो आप 1 लीटर ले लेते हैं, यार चलो कुछ अब पी लेंगे, कुछ शाम को पी लेंगे, ठीक है। अब ये क्या कि आप इस तरह की जो टैक्टिक्स करके आप लोग अपनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल इंक्रीज कर सकते हैं अपने कस्टमर के सामने, ठीक है। एक ये तरीकाकार है। दूसरा ये तरीकाकार है कि आप अपनी प्रोडक्ट की यूजबिलिटी इंक्रीज करें। यूजबिलिटी इंक्रीज करने से मुराद आप ये बताएं कि हमारी प्रोडक्ट को फ्लाम मकसद के लिए भी यूज किया जा सकता है, हमारी प्रोडक्ट को फ्लाम मकसद के लिए भी यूज किया जा सकता है। आप जैसे कह सकते हैं कि जी हमारी जो प्रोडक्ट है, जिस तरह जी नूडल्स हैं, पहले आप सिर्फ नूडल्स सेल कर रहे थे कि जी बच्चों के खाने के लिए, आप कह सकते हैं कि जी बच्चों को सिर्फ के खाने के लिए नहीं, आप जो बड़े हैं वो भी खा सकते हैं, या आपको रात को अगर भूख लगी है, रात को आप पूरा मील नहीं लेना चाह रहे, आप हल्का फुल्का कुछ खाना चाह रहे हैं, तो आप रात को नूडल बना के खा सकते हैं। अब ये क्या किया, उसकी यूजबिलिटी इंक्रीज कर दी कि आप उसको मजीद मौक़ों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चाय पीनी है, चाय का जी पहले सिर्फ एक चीज़ उसकी पे मिसाल के तौर पर हम काम कर रहे थे कि जी आप जब थके हुए हैं तो आप थके हुए तो आप चाय पिए, आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, पहले सिर्फ ये चीज़ थी। आप कहते हैं कि नहीं, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको बैड टी भी लेनी चाहिए, आपको बैड टी लेने से आपका अच्छा दिन गुजरेगा। अब ये क्या किया, हमने यूजबिलिटी इंक्रीज कर दी उसकी, हमने उसको क्या किया कि जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद भी आप जो चाय पिए उससे भी जो है ना आपका वो जो माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा वगैरह, जो भी जिस भी चीज़ को अपने साथ एसोसिएट करना है, अब इस तरह की एसोसिएशन बना के अपने प्रोडक्ट की यूजबिलिटी इंक्रीज करते हैं, इसके इस्तेमाल करने के मौके इंक्रीज करते हैं, जिससे आपका ओवरऑल जो मार्केट शेयर है आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दो तरीके बताया मार्केट शेयर एक्सपेंड करने के, नए कस्टमर्स लेके आए या अपने प्रोडक्ट की यूजबिलिटी इंक्रीज करें। ओके, ये आपकी आज का सेकेंड लास्ट स्लाइड है, सेकेंड लास्ट है मेरे ख्याल से। अब इसमें यह है कि अगर आपका जो कंपेटिटर्स हैं, आपका कंपेटिटर कोई अटैक करता है आप पे, अटैक करने से मतलब ये नहीं कि फिजिकली कोई अटैक करना है, वो अपनी कोई नई प्रमोशन लेके आया, नई एक्टिविटी लेके आया, नई कंपेन लेके आया, नया कोई ऑफर लेके आया, तो उसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आपके पास क्या ऑप्शन है उसकी उन टैक्टिक से, उसकी उन गिग से बचने के लिए। सबसे पहला जो ऑप्शन है कि आप अपनी जो करंट पोजिशन है, अपनी करंट पोजीशन को डिफेंड करें। करंट पोजीशन को डिफेंड करने से मुराद क्या है कि आप जिन जिन चीज़ों, आप पहले बता रहे थे कि जी हम डिटर्जेंट बनाते हैं, कपड़े हमारा जो डिटर्जेंट है, ठीक है, वो है उसमें से खुशबू आती है, उसमें से जो है ना वो कपड़ों की सफेदी जो बरकरार रहती है वगैरह। पहले अगर आप ये क्लेम कर रहे थे तो कंपेरेटर अगर कोई नई चीज़ ले भी आया है, कंपेरेटर ने मिसाल के तौर पर उसने डिस्काउंट ले आया या उसने कोई जो है ना वो नया फ्लेवर लॉन्च कर दिया, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप जस्ट अपनी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप जो है ना वो डिफेंड करते हैं। दूसरा जो है वो है फ्लैंक। फ्लैंक में आप ये करते हैं कि आपके जो वीक स्पॉट्स हैं, आपके आपके जो ब्रांड के जो वीक स्पॉट्स हैं, वीक स्पॉट्स मतलब हो सकता है कुछ चीज़ों पे जाके, कुछ चीज़ों पे आप जो है ना वो आपकी थोड़ी पोजीशन वीक हो, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, अपने वीक पॉइंट्स को आप लोग कवर करें, ताकि आपके वीक पॉइंट के ऊपर आपका जो कंपेटिटर है वो टारगेट ना कर सके। अभी मैं डिटर्जेंट की बात कर रहा था, तो हो सकता है जी आपका वीक पॉइंट क्या हो, आपका वीक पॉइंट ये है कि जी आपका जो डिटर्जेंट है वो पड़े पड़े उसके जो है ना वो ब्लॉक्स बन जाते हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि वो उसकी वो डेलियाँ बन जाती हैं, उसके ब्लॉक्स बन जाते हैं, वो जी वो ब्लॉक्स हैं वो आपको इस्तेमाल करते हैं तो हाथ से तोड़ने पड़ते हैं वगैरह वगैरह, ये ऐसी जो चीज़ है, ठीक है। अब वो जो वीक स्पॉट्स है, आप अपने वीक स्पॉट्स के ऊपर काम करें कि आपके वीक स्पॉट्स टारगेट ना हो आपके, ये है फ्लैंक। प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव में यही करते हैं कि आप ये देखते हैं कि आपका कंपेटिटर कुछ करने वाला है, आपका जो कंपेटिटर है, आपके कंपेटिटर्स कुछ करने वाले हैं, तो आप उस केस में क्या करते हैं कि आप जो जितने भी आपके 2-3 कंपेटिटर्स हैं, आप अपने कंपेटिटर के वीक स्पॉट्स जो हैं, क्योंकि अगर आपके कोई वीक स्पॉट है तो आपके कंपेटिटर के भी कोई ना कोई वीक स्पॉट्स होंगे, अपने कंपेटिटर के वीक स्पॉट्स ढूंढें, और कंपेटिटर के वीक स्पॉट ढूंढने के बाद आप उसके वीक स्पॉट्स पे अटैक करें। जैसे आप कहते हैं कि जी फलाम महंगा पाउडर और आपका पाउडर,
ठीक है, जो फलाम महंगा पाउडर है, आप उस पाउडर के महंगे होने के ऊपर, उस पाउडर के महंगे होने के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं कि वो महंगा है। दूसरा, आप जब वो ऐड दिखा रहे हैं तो आप उस ऐड में ये भी दिखा रहे होते हैं कि जी आपके ब्रांड तो कपड़े को मजीद प्रॉपर सफेदी बरकरार की हुई है, लेकिन जो दूसरा ब्रांड है जो कि महंगा पाउडर है, उसने क्या किया है, मुझे कपड़े को पीला कर देता है सफेद की बजाय। ठीक है, अब क्या जी कपड़े को पीला कर देना, इस चीज़ के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, वो उसके वीक स्पॉट्स हैं। अपने कंपेटिटर्स के वीक स्पॉट्स के ऊपर जो आप जो है काम करते हैं तो उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रियम्प्टिव अप्रोच, या प्रियम्प्टिव डिफेंस है ये वाला। उसके बाद आ जाते हैं काउंटर ऑफेंसिव। काउंटर ऑफेंसिव में ये आता है कि जो अगर आपके कंपेटिटर ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई, आप पे अटैक किया, आप उसी चीज़ पे आप भी अटैक करते हैं। जैसे कंपेटिटर ने कहा कि जी उसने आपकी प्रोडक्ट से अपनी प्रोडक्ट जो 5 रुपये सस्ती कर दी, उसने 5 रुपये सस्ती की है, आप थोड़ी देर बाद आप 2 रुपये आप सस्ती कर दो उससे मजीद, ठीक है, आप क्वान्टिटी इंक्रीज कर दो, आप अपनी दूसरी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिक्रीज कर दो, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दो। अब ये कि जहाँ जहाँ पे आपका कंपेटिटर आपको अटैक करता है, उसी टोन में उसी जगह पे आप उसको जो है वो करते हैं अटैक करते हैं उसको, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी को हम लोग बोलते हैं, ये हमारी काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मोबाइल मोबाइल डिफेंसिव स्ट्रेटेजी। मोबाइल डिफेंसिव स्ट्रेटेजी ये होती है कि जिस मार्केट में या जिस जगह पे आपका कस्टमर आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आप ये करते हैं कि अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। पोजीशन चेंज करने से मुराद, जैसे अब वो एक थी, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, कि अगर वो एक कोरियर सर्विस है, ठीक है, एक कोरियर सर्विस है, उसके जो है मुकाबले में दूसरी कोरियर सर्विस ने कोई नई प्रमोशनल कंपेन लेके आया है, कोई नई चीज़ लॉन्च की है, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी पहले सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन करते थे, अब डॉक्यूमेंट्स की बजाय आपने अपने मार्केट का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, आप कहते हैं हमने अब लॉजिस्टिक की, ओवरऑल जो लॉजिस्टिक की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टार्ट कर दी, या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में हम लोग आ गए। पहले सिर्फ हम लॉजिस्टिक्स की, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे थे, अब साथ हमने जो है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में आ गए हैं। आपने क्या किया, आपने अपनी मार्केट ही चेंज कर ली है, आपने मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट कैटेगरी हम कल पढ़ रहे थे, आपने कैटेगरी एक्सटेंशन वाली साइड पे चले गए, ताकि आपका कंपेटिटर आपको इतनी इजीली वहां पे ना अटैक कर सके। ठीक है, कल हमने पढ़ी थी कैटेगरी एक्सटेंशन, आप कैटेगरी एक्सटेंशन की तरफ चले जाते हैं। और जो लास्ट आपके पास डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में यह है कि आपको पता है कि आप अपने कंपेटिटर से मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो आप अपने मार्केट साइज को छोटा कर लेंगे। मार्केट साइज को छोटा करने से मुराद ये है कि पहले आप जो है ना वो आपकी कोशिश थी कि 100 कस्टमर में से 60 कस्टमर्स को आप डील करें, या चले हम इसके और सादे लफ्ज़ों में एग्जांपल के, अब जैसे मैं वो शादी हालों में पानी सप्लाई करता था जो है ना, पहले नारवाल में, शकरगढ़ में, जफरवाल में, लेकिन एक नया ब्रांड आया जो जो कि जिसको मैं कम्पीट नहीं कर पा रहा, ठीक है, लेकिन मैं करता हूँ कि वो मुझे ज़्यादा शकरगढ़ में वो ब्रांड तंग कर रहा था, मैं शकरगढ़ से जो ना विड्रॉ कर लेता हूँ, मैं सिर्फ जफरवाल और नारवल में काम करूंगा। मैं अब मैंने जो विड्रॉ कर लिया है, तो मैं कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चला गया। इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी जो मार्केट है, अपनी मार्केट को मैंने जो है वो छोटा कर लिया है, ताकि अपने कंपेटिटर से की स्ट्रेटजी से बच सकूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं आपने फैक्टर्स, 3-4 फैक्टर्स हैं, उनको आपने मद्देनजर रखना है जब आप अपना मार्केट शेयर एक्सपेंड कर रहे होना है। वो फैक्टर कौन कौन से हैं जब आप जिनको आपने मद्देनजर रखना है? पहला तो ये है कि अगर आप अपने मार्केट शेयर को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, तो आपके जो कंपेटिटर्स हैं, समटाइम आपके कंपेटिटर जब आपको डायरेक्टली कम्पीट नहीं कर रहे होते, तो आपके कस्टमर्स के अंदर वो आपके बारे में एंटी ट्रस्ट की जो है ना वो कंपेन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। एंटी ट्रस्ट कंपेन स्टार्ट करने की कोशिश करने से क्या मुराद है, कि वो आपके ब्रांड के बारे में एक नेगेटिव प्रोपोगंडा जो है ना वो करना स्टार्ट कर देंगे, आपके ब्रांड के बारे में कस्टमर्स के हवाले से प्रोपोगंडा स्टार्ट कर देंगे, रिटेलर्स के सामने आपका आपके ब्रांड को गंदा करना स्टार्ट कर देंगे। इसकी एग्जांपल जो है वो आपको शायद याद हो कि वो लेज के ऊपर एक बार आया था कि जी लेज जो है वो उन्होंने अपने जो पोटैटो चिप्स हैं उसके अंदर स्वाइन का सूप यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे हम खंजीर कहते हैं, कि भी उसका सूप यूज़ करते हैं। अब वो बेसिकली कंपेटिटर्स ने मिलके या एक सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए जो है ना उस चीज़ को हवा दी थी, और उससे क्या हुआ था कि आपके जो हैं कस्टमर उससे बहुत ज़्यादा खराब हुआ था।
उसके बाद इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट आ जाती है। आपने ये भी देखना है कि आप अपने मार्केट शेयर को एक्सपैंड करने के लिए अगर नए कस्टमर्स की तरफ जा रहे हैं तो आपने ये देखना है कि क्या उसका इतना जितना प्रॉफिट आप लोग कमाना चाह रहे हैं प्रॉफिट से ज़्यादा खर्चा ना हो जाए उसके ऊपर, ठीक है। ये चीज़ भी देखनी है कि खर्चा ज़्यादा हो गया है लेकिन प्रॉफिट आप लोग कम जनरेट कर रहे हैं, ये चीज़ भी आपने देखनी है कि नए कस्टमर्स को हासिल करने के लिए खर्चा उससे ज़्यादा ना हो जाए, ओवरऑल हमें प्रॉफिट ही होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए रेवेन्यू मैक्सिमाइज के बजाय। परसुइंग द रॉन्ग मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी, आपने ये आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो मेजर डिफरेंट चीज़ों पे आपसे कम्पीट कर सकते हैं, आपसे क्वालिटी पे कम्पीट कर सकते हैं, आपसे क्वांटिटी पे कम्पीट कर सकते हैं, आपसे प्राइस पे कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है, जियोग्राफिक लोकेशन पे कम्पीट कर सकते हैं। ये आपने ये देखना है कि वही ना कि आपका जो कंपेटिटर है वो प्राइस पे कम्पीट कर रहा हो आपसे और आप जो है उससे जियोग्राफिकल जो है कनेक्शन है कस्टमर के साथ आप उस पर कम्पीट कर रहे हो। आपने ये देखना है कि जिस चीज़ पे कम्पीट करना है कस्टमर से उसी तरह आपने मार्केटिंग मिक्स डिज़ाइन करें, वही ना हो कि वो प्राइस पे कम्पीट कर रहा है आप प्रोडक्ट के फीचर्स पे कम्पीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ देखनी है कि मार्केटिंग मिक्स के किस फैक्टर के साथ जाके हमने अपने कंपेटिटर से कम्पीट करना है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज मार्केट शेयर ऑन एक्चुअल एंड परसीव क्वालिटी, आप जब अपने कस्टमर्स इंक्रीज करते जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट की आउटफ्लो इंक्रीज करते जाते हैं तो उस केस में आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स जब आपके इंक्रीज होंगे तो कस्टमर मैनेजमेंट भी मुश्किल होती जाती है साथ साथ। आपने देखना है कि कस्टमर्स आप इतने ज़्यादा ना इंक्रीज कर रहे हैं अपने कि आपको कस्टमर को सर्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। आप कस्टमर्स लेते आ रहे हैं तो लेकिन आप कस्टमर्स को इतने अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाते। अब इसकी एग्जाम्पल ये है कि आपने जो है नया कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं तो आप पहले दिन पूरे शहर से लोगों को दावत दे रहते हैं, आज जी हमारी चीज़ आज हम सस्ती चीज़ सेल कर रहे हैं, उतना कस्टमर इकट्ठा हो जाता है कि आप सबको सर्व ही नहीं कर पाते, ठंडा खाना सर्व कर रहे हैं। जब आप ठंडा खाना सर्व कर रहे हैं नंबर ऑफ कस्टमर इतने ज़्यादा होने की वजह से तो जो बंदा ठंडा खाना खा के गया वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा, ठीक है, आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। आपने ये देखना है कि आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ठीक है जी। ये वो लास्ट स्लाइड है जिसका वो कह रहे थे कि आपने मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में आप देखें नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मार्केट शेयर है, लेफ्ट ऊपर वर्टिकल एक्सिस पे प्रॉफिटेबिलिटी है। आप देखें कि 50 के ऊपर जो है मुझे मेरा जो मार्केट शेयर है जो 50% मार्केट शेयर है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी मेरी मैक्सिमम है, लेकिन इसके बाद मैं अगर मजीद कस्टमर को घेरने की कोशिश कर रहा हूँ ना तो मजीद कस्टमर को अट्रैक्ट करने पर मेरी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, नंबर ऑफ कस्टमर तो ज़्यादा हो रहे हैं मेरे लेकिन मेरी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अब इसमें 75% पे जाना मेरे लिए नुकसानदेह है 75% मार्केट शेयर पे, तो कोशिश ये होगी कि मैं 50% मार्केट शेयर रख लूँ लेकिन अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर लूँ। आपने अपनी ऑप्टिमल मार्केट शेयर जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम हो। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स कम करके उनका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाले कस्टमर्स होते हैं वो फटीक साबित होते हैं, यानी कि वो आपसे इतना प्रॉफिट आपको नहीं जनरेट करवा रहे जितना आपसे खर्चा करवा रहे हैं आपसे वो, ठीक है।